लिखो ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, उत्तर लिखो कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल है, इसका एसआई मात्रक जूल है। इसका एसआई मात्रक जूल है। तुम्हारे अंदर क्षमता है, पावर है कोई काम करने का, कोई भी काम करता है, प्रश्न अगला लिखो ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, कलमियन इन पात्र पात्र। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, यानी ऊर्जा का उत्तम स्रोत, अच्छा स्रोत किसको माना जाता है। तो उत्तर लिखिए ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं, ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो सरलता से मिल सके, भंडारण तथा परिवहन आसानी से हो, भंडारण तथा परिवहन आसानी से हो, रख रखाव में सुविधा हो, रख रखाव में सुविधा हो, और उससे प्राप्त ताप, उससे प्राप्त ताप उच्च हो, यानी ऊर्जा के उत्तम स्रोत करे के माना जाला, राखे में सुविधा होके, लेवे में सुविधा होके, जराइरा पे खूब अधिक गर्मी बनावे, उसी को ना मानेगा। भोजन करता है ना, अब भोजन में भी जो बॉडी को ज्यादा हीट प्रदान करता है उसे उत्तम स्रोत माना गया जाता है। अभी ना है कि उत्तम स्रोत एनर्जी देवे मत, भर मुंह हूर के घूमता रखल सा नीमन लागे खातिर, चॉकलेट हो गोइल, दालमोट हो गोइल, पिज्जा हो गोइल, बर्गर हो गोइल, चौमिन हो गोइल, सब ले एनर्जी तो देवे ला फुचुकावा मारी ढकनन पी गोइलो अका तल्लर गईले बड़ा चारा नियन हमरा के तोर देखे जे वे पिया तड़ी। अगला लिखो उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। लिखो उत्तम ईंधन के निम्न लक्षण हैं,
उत्तम ईंधन के निम्न लक्षण हैं। एक नंबर, उष्मीय मान अधिक होना चाहिए, उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। दो नंबर, ताप उच्च होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए। तीन नंबर, सस्ता होना चाहिए। चार नंबर, रख रखाव की सुविधा होनी चाहिए, रख रखाव की सुविधा होनी चाहिए। विषैली गैस नहीं निकलनी चाहिए, विषैली गैस नहीं निकलनी चाहिए। जलने पर अवशेष बिल्कुल नगण्य हो, जलने पर अवशेष नगण्य हो। तो ऐसा ईंधन कौन है भाई इतना विशेषता वाला है? कोई ईंधन है? वो है एलपीजी गैस। सस्ता तो नहीं है लेकिन महंगा भी नहीं है। क्वेश्चन अगला लिखो, यदि आप भोजन को गर्म करने के लिए, यदि आप भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत, किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, तो आप किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करेंगे और क्यों? आप किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करेंगे और क्यों? और क्यों? तो उत्तर लिखिए, एलपीजी का उपयोग करेंगे। एलपीजी का उपयोग करेंगे। बोलिए हमें दे, आप तो तू कर दे भू। काहे करेगा उसका उपयोग? तो लिखो, रख रखाव में सुविधा है, रख रखाव में सुविधा है, प्रदूषण कम करता है, ताप तेज होता है, ईंधन कम व्यय होता है, हानिकारक नहीं होता है, हानिकारक नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्रश मुंह में एक हुरा मरल तो ने गरम होकर सीटी मार दलस, है ने घूमल तो दूसर की मरल, आगे घूमल तो तीसर की, कूला करे करे में बन के रेडी, बस निकालिए खाए के शुरू कर दो।
लेकिन ऐसा ऐसा मुसार के कहां से मिली सही का कौन है परिवर्तन नाम लो लोग का है लिखा है ना जादू कर लिखते रे रुका तेरा करा कैमरा झाड़ दे तेरी बढ़िया ले लिखो आगे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर तो पासे रहता है क्यों ध्यान दे रहे हैं लिखो उत्तर प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ ऊर्जा की खपत बढ़ गई है ऊर्जा के मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है वृद्धि हो रही है जीवन शैली को उत्तम बनाने के लिए वैकल्पिक स्रोतों का होना बहुत जरूरी है इसी कारण उसी ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं प्रश्न अगला है सौर कुकर के लिए सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है और क्यों और क्यों
उत्तर लिखो। सौर कुकर के लिए, सौर कुकर के लिए सबसे उत्तम दर्पण, सबसे उत्तम दर्पण अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश को एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर अभिसरित करता है, अभिसरित करता है।